दोस्तों कल यानी कि 8 अक्टूबर को कल केट्स की लिस्टिंग होने वाली है। लगभग 3 से 3:30 बजे यहाँ पे केट्स की लिस्टिंग हो जाएगी। और दोस्तों जो भी हमने एक्सचेंज वहाँ पे सिलेक्ट करके रखा था उस एक्सचेंज के अंदर हमको टोकन देखने के लिए मिलेंगे, तो हम उनको 3 बजे के बाद में वहाँ पे सेल कर पाएंगे और वहाँ से हमको USDT मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको किस तरह से केट्स के टोकन को या फिर कॉइन्स को सेल करना है और वहां से USDT लेना है। क्योंकि दोस्तों हैमस्टर कॉम्बैट जब लिस्ट हुआ था उसके बाद में वहां पे उसका जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा डंप हो गया था और यहां पे बहुत सारे लोगों को बहुत ही कम यहां पे एयर ड्रॉप देखने के लिए मिला था। यहां तक कि मुझे भी बहुत ही कम वहां पे एयर ड्रॉप देखने के लिए मिला था, क्योंकि मैंने लगभग 1 से 2 दिन बाद वहां पे कॉइन्स को सेल किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको यहां पे देर नहीं करना है। जैसे ही यहां पे केट्स की लिस्टिंग हो जाती है और हमारे पास यहाँ पे टोकन आ जाते हैं तो आपको फटाफट से उसी टाइम पे उन टोकन्स को या फिर कॉइन को सेल कर देना है और उसको वहाँ पे USDT में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम उन USDT को कभी भी कन्वर्ट करके INR में कभी भी हम अपने बैंक के अकाउंट में ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे केट्स एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 17,719 यहाँ पे केट्स कॉइन बता रहा है। अगर यहाँ से हम चलते हैं एयरड्रॉप वाले सेक्शन पर तो यहाँ पर मैंने बिटगेट एक्सचेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। आपने यहाँ पे बायबिट या फिर कुकॉइन जो भी यहाँ पे एक्सचेंज को सिलेक्ट करके रखा होगा उसी में आपको यहाँ पे टोकन या फिर कॉइन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों आपने जिस भी एक्सचेंज को सिलेक्ट किया है उसी में जाके ये प्रोसेस करना है। लगभग यहाँ पे प्रोसेस सेम रहेगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बिटगेट एक्सचेंज में कैसे अपने कॉइन्स को या फिर टोकन को सेल करना है वो आपको बताऊंगा। तो आप चलते हैं यहाँ से सीधे बिटगेट एप्लीकेशन में। दोस्तों मैंने यहाँ पे बिटगेट एक्सचेंज को इसलिए सिलेक्ट करके रखा था क्योंकि यहाँ पे 30,000 एक्स्ट्रा यहाँ पे केट्स के कॉइन या फिर टोकन मेरे को मिल सकते हैं। तो अब आप जैसे ही बिटगेट एक्सचेंज पर आ जाओगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो अब आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एसेट्स, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर स्पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका जो भी टोकन होगा इसे यहाँ पे स्पोर्ट वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्पोर्ट वाले सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको जो भी केट्स का जो भी टोकन रहेगा या फिर कॉइन रहेगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा सबसे ऊपर में ही। तो अब आपको उनको सेल कैसे करना है, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक कॉइन है यहाँ पे केट डॉग करके, तो इसका हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये प्रोसेस केट टोकन के ऊपर ही यहाँ पे आपको करना है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये एक कॉइन है इसको यहाँ पे केट डॉग इसको मैं यहाँ से टच करता हूँ। तो आप जैसे केट्स वाले पे टच करोगे तो आपके सामने भी इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे केट्स वाला जो कॉइन है वो यहाँ पे लिस्टिंग नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ये दूसरा कॉइन आपको लेके दिखा रहा हूँ। तो अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो थ्रेड, और थ्रेड के नीचे आपको यहाँ पे पेयर बनी हुई दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो केट डॉग USDT, तो इस जगह पे आपको केट्स USDT देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली आपको उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। तो अब हमारे पास जो भी कॉइन हो गए वो हमको यहाँ पे सेल करना है। तो यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे केट्स देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बगल में यहाँ पे USDT। अभी यहाँ पे केट डॉग USDT दिखा रहा है क्योंकि मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको इस वाले पेज पर आने के बाद यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अब यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है मार्केट, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे लिस्टिंग के टाइम पे उसी टाइम पे हमको यहाँ पे सेल करना है। मार्केट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, आप कितने टोकन को या फिर कॉइन्स को सेल करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे 100% यानी कि जितने टोकन हमको केट्स की तरफ से मिले हैं उनको सारे टोकन्स को सेल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से 100% कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जितना भी आपको USDT मिलेगा वो यहाँ पे शो कर देगा नीचे। अब आपको इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेल केट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे सेल केट डॉग दिखा रहा है, लेकिन आपको जैसे ही केट्स वाले टोकन को आप सेल करोगे तो यहाँ पे सेल केट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली सेल केट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल केट्स पे क्लिक करोगे आपका जो भी केट्स का टोकन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा USDT में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेल हो जाएगा और आपको उसके बदले जितने भी USDT बनेंगे या फिर डॉलर बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों उन USDT को कैसे अपने INR में कन्वर्ट
करना है और अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो वो दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने जो USDT है उनको एक्सचेंज में ले जाना पड़ेगा, जो कि एक्सचेंज है यहाँ पर CoinDCX। तो आपको फटाफट से CoinDCX एक्सचेंज को डाउनलोड कर लेना है और उसकी KYC कर लेना है और उसमें आपको बैंक अकाउंट का जो भी डिटेल है वो डाल के बैंक अकाउंट वहाँ पर ऐड कर देना है। तो आपको जैसे ही यहाँ पे केट्स की लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि उसको हमको कैसे INR में कन्वर्ट करना है USDT को और कैसे अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना है। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।